कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता कदम उठाए गए हैं, जिसका परिणाम है कि पिछले सप्ताह भर में जिला में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इस बारे बोलते हुए उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि नए पॉजिटिव मामलों में कमी तो आई है, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि कोरोना टेस्टिंग की दर को बढ़ाया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं उपायुक्त ने इस दौरान अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को सर्दी या कोरोना का कोई अन्य लक्षण स्वयं या परिवार के सदस्य में दिखता है तो इसे अन्यथा न ले और कोरोना का टेस्ट जरूर करवाए। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग के प्रति जागरूक करने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है और प्रशासन द्वारा यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगर कोरोना टेस्टिंग की टीमें किसी क्षेत्र में जाती है और वहां के लोग टेस्टिंग से आनाकानी करते हैं तो ऐसे में प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र को सील भी किया जा सकता है। जिला में अभी हमारे पास 854 टोटल एक्टिव केसेस हैं और उसमें 76 जो है वो अलग अलग हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में है और 778 केसेस जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। कुछ समय से जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी दर और उनके संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी भी हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो फ्लक्चुएट कर रही है 10-12% के बीच में 5% भी हुई, 8% भी हुई, लेकिन अभी भी पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है और अभी भी पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अभी जो शॉप्स को खोलने का निर्णय लिया है उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे कोविड जो है वो ख़त्म हो गया। ज़िले के हर कॉर्नर पे कोविड के पॉजिटिव केस हैं, इस करके पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार हर ज़िले को टेस्टिंग बढ़ानी है और उसके लिए हमने लोगों से भी अपील करते हैं कि वो जहाँ पे भी अगर किसी को सर्दी जुकाम है या खांसी है या इस तरह के सिम्टम्स हैं तो एक्टिवली लोगों को आगे आना चाहिए ताकि उसमें रहते हम जो कोविड है पॉजिटिव केसेज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। अधिकतर जगहों पे इस तरह की शिकायतें आती हैं कि टीम्स जाती हैं तो लोग बाहर नहीं आते, तो उस स्थिति में हमने एक आदेश भी यहाँ से डीएम एक्ट में इशू किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को जहाँ लगता है कि सैंपल लेने हैं कोई उस उनके जो निर्णय है उसको सभी को कंप्लाई करना है, अगर कोई रिजिस्ट करता है तो सरकारी जो आदेश है उनकी अवहेलना उसको माना जाएगा। इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एक पंचायत स्तर पर प्रधान की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स सरकार ने बनाई है, उस टास्क फोर्स का भी ये काम है कि वो लोगों को मोटिवेट करें कि वो टेस्टिंग के लिए आगे आएँ, वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ। और जहाँ पे हमें ये लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें लोगों के माध्यम से सूचना भी मिलती है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनको बुखार है, सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं, तो यदि लोग वहाँ एक्टिवली नहीं आएंगे तो हमें मजबूरन उस एरिया को सील करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड का खतरा जो है उसको दूसरे जगह पे हम नहीं फैलना अलाउ कर सकते। तो लोग अगर एक्टिवली आएंगे तो उसमें रहते टेस्ट होगा और जो पॉजिटिव केस हैं उनको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। इसके अलावा अब धीरे धीरे जिस तरह से मार्केट्स खुली हैं और आने वाले समय में यदि हमारे पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कम आते हैं, हमारी पॉजिटिविटी रेट कम आती है, तो और भी रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हमारी पॉजिटिव केसेस किस दर पे बढ़ रहे हैं। इस करके हम जो ये समय है कर्फ्यू का, रिस्ट्रिक्शन का, इसकी पूरी अनुपालना करें। कुछ एक ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि लोग वीकेंड में कोई खजियार जा रहा है, कोई जुम्हार जा रहा है, कोई कस्से वाली माता के मंदिर जा रहा है, तो उन लोगों पर हमारी बड़ी पैनी नज़र रहेगी और यदि कोई कर्फ्यू ऑर्डर्स का वायलेशन करते पाया गया तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।